बदला छोड़कर इसी सिर पर 10 रुपया इनाम लगे रहे। हेलो दीपक सोनकर यही के निवासी है। 500 रुपया व्यवहार और इसी सेल पर लव स्टोरी को देखते हुए 50 रुपया इनाम स्पेशल। धन्यवाद। हेलो जमाना तो नीचे रखिए। अगर राज, अबे मतलब राज एक छोटा सा बच्चा है, 10 रुपया इनाम करा कि इसी तरह मेरी मौसी भी तैयार करती है। कस लौंडे यार, ये लौंडा है मौसी ना। अबे सब पेटे में सिख के पैदा भर आ गए। राम समुज सोनकर राइटर महोदय के बगल में बैठे 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। करे प्यार हमारा अमर रहेगा गाके तक जाएंगे। और प्यारी हमारा अमरी रहेगा याद ही करे राज की मौसी करेरे प्यार कर रही है 10 रुपया इनाम। आ गए हैं सूरजलाल सोनकर इसी सीन को देखते हुए, इसी सीन पर 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। और राज सोनकर जिनके सौजन्य से हम यहाँ आए हुए हैं, पार्टी आई है, इसी सीन पर 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी उनका शुक्रिया अदा कर रही है। हेलो भैया मोबीन हलवाई छतो 100 रुपया व्यवहार और इसी सीन पर 20 रुपया इनाम। धन्यवाद।
के हजार कुर्बान। हे भगवान, और कब तक 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 अब बर्दाश्त नहीं होता मेरे मालिक। क्या दिन दिखाया है तूने मुझे मेरी जिंदगी में। मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई, मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, मेरी ये हालत हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा, और कितनी परीक्षा लेगा कि मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहम्मद। मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहम्मद। मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहम्मद। मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहम्मद, लगा लेंगे मोहम्मद। रूठे है खुदा और मना लेंगे मोहम्मद। रूठे है खुदा और मना लेंगे मोहम्मद। मजबूर को सीने से लगा लेंगे मोहम्मद। रूठे हैं खुदा और मना लेंगे मोहम्मद। घूमते हो
आगे कहाँ जाओगे खुद को आप इस खंडर इन पहाड़ों में कहाँ भटक रहे हैं बाबा जी? आगे बहुत बड़ी खाई है, आप गिर जाएंगे तो आपकी जान जा सकती है बाबा जी। अरे आगे बचा लिया तूने मुझे, अगर एक कदम आगे और बढ़ जाता तो मैं इसी खाई में गिरकर मर जाता। धन्य बेटा धन्य। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आकाश बाबा जी। आकाश, कितना प्यारा नाम है बेटा। और तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? जानना चाहता हूँ कौन है आप बाबा जी और इस खंडर इन पहाड़ों में क्यों भटक रहे हैं। तो सुनो बेटा, बताऊं क्या तुम्हें, ओ बताऊं क्या तुम्हें, अब ना कोई बतेरा है, बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, अब ना कोई बतेरा है, मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। जो भी मेरे पास था सब छीन गया है बेटा, जो भी मेरे पास था सब छीन गया है तकदीर में, मेरी तकदीर में बस लिखा अंधेरा है, मेरी तकदीर में। नहीं बाबा जी, सब कहिए बाबा जी, बड़ी दुख भरी कसी बाबा जी। अगर बाबा तुम्हारा हरगिज ठोकर खाना, नदान कितने दिनासे भूखे और प्यासे हो, नदान कितने दिनासे भूखे और प्यासे हो, पहाड़ों में इस खंडरों में मैं आपको भटकने नहीं दूंगा बाबा जी, अब मेरा यकीन कीजिए, अब मैं बेटा तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे, मुझे सहारा दोगे। धन्य हो बेटा, भगवान हमारा भला करे। बेटा एक बात कहूं कि धन्य वो खुदार जमाने में नहीं देखा है, तुझका खुदार जमाने
की राह पर जो चलता सदा बेटा है, जल के राह पर जो चलता सदा बेटा है, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन भगवान उसे मिलता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, और एक बात याद रखना मेरे बेटे कि जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन एक दिन उसे भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। ठीक है बेटा, क्या नाम बताया था तूने अपना? नाम आकाश बाबा। आकाश, आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सतगुरु मुझे भगवान का दर्शन हो गया। अरे नहीं बेटा, मुझे भगवान का दर्जा ना दे मेरे बेटे, चल 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 ले चल मुझे, बड़े जोरों से भूख लगी है, हाथ तीन दिन हो गए, अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। आप आपको आज से कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। चल बेटा चल, मैं चलूंगा। मेरा बेटा रतन गल गया, अभी तक वापस नहीं, मालूम नहीं क्या बात है, कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या बात है? बहुत घबराई हुई दिखाई पड़ती है महाराज, बड़ा कुछ चमक गया महाराज। क्या बात है? मैं चमन की तरफ टहलने गई थी और चमन के बीच में जो कुआं है, हाँ हाँ, उसी में कोई इंसान की आवाज हमें सुनाई दिया, चल के देखिए आखिर क्या आइए हो सकता है, हम चलकर देखते हैं। आइए स्वामी जी। महारानी जी, जो हो सकता है उसकी जान बच जाए। चलिए स्वामी जी। इसी दिन का इंतजार था महाराज, अब इसी कुएं में तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, मेरे सारे रास्ते के कांटे खत्म हो गए, अब मैं चलकर करती हूँ आराम, उसके बाद फिर काम की बात सोचती हूँ। और तुम लोग सुन लो, अगर किसी ने काना फुसकी की तो समझ लो क्या करूंगी, वो मैं बाद में बताऊंगी। आज काफी दिन हो गए, आज मैं फिर पिताजी से मिलूंगा, मैं जितना कमा कर लाया आज मैं अपने पिताजी को जरूर दूंगा, उस पैसे लेकर बाजार जाऊंगा और आटा चावल जो भी मिलेगा खरीद कर पिताजी के सामने पेश करूंगा। हेलो बचाओ या भगवान, कौन है इस कुएं में अजनबी सी आवाज, कौन है? हुआ में तैर तैर है राम, हुआ में तैर तैर है राम, कुआं से मेरी
वाली वो मेरी ताल, करो कोई मुझ पे एहसान, करो कोई मुझ पे एहसान, कुआं से बचा लो मेरी जान। या भगवान कि बोलते कुएं बीच दरमियान, बोलते कुएं बीच दरमियान आप कि ऐसी जगह कुआं है भटक कर आए हम, चकित हुआ सुन तेरी ललकार, चकित हुआ सुन तेरी ललकार। कौन साफ साफ बताइए, ना मैं कोई भूत हूँ ना मैं हूँ शैतान, रतन सिंह समलात हूँ, रतन गर की हूँ शान, आपके हाथ में मेरे प्राण, आपके हाथ में मेरे प्राण, कुआं से बचा लो मेरी जान। आप सम्राट हो, चिंता मत करो, इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य, लेकिन मेरी बात सुनो, कि गमछा में पकड़ा रहा कि पकड़ो दो लो, कि कुएं से बाहर निकालू ना करना कोई भार, निकालू मैं बाहर सीमा, निकालू मैं गमछा पकड़ा रहा, आप दोनों हाथ पकड़िए, मैं कुएं से तुम्हें बाहर निकालता हूं। कौन हो बेटे तुम, क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर जी मेरा नाम अरमान, और इस कुआं में कैसे आप गिरे? तो तुम्हारा नाम अरमान है जी, कहाँ के रहने वाले हो बेटे? इस रतन रथ पर रहने वाले। आज बेटे तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और एक दिन मैं इस एहसान का बदला तुम्हें जरूर चुका दूंगा बेटे, लेकिन इस समय हमें रात दरबार जाना है, क्योंकि आज तक जो महारानी किया है उसका फल हमें उसको देना है, उसको इस संसार से मिटाना है, जो अपने पति की नहीं हो कभी किसी की नहीं हो सकती है, ये हमारा रतन रियासत बर्बाद हो सकता है। जिस औरत ने ऐसे कदम उठाए हैं उस औरत को इस संसार में जिंदा रहने को कोशिश करते हैं बेटे, हमें राजमहल जाना होगा बेटे। ठीक है, इस हुजूर की मैंने जान बचा ली, ठीक है कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं अपने पिताजी के पास। क्या बताऊँ, आकाश का कोई अता पता नहीं,
जो कि मंदिर में हमेशा पूजा करने आते हैं, आज उनका कोई पता नहीं, उनका बैठ कर इंतजार करते हैं।